और तो मैं अगले दिन इस वीकेंड आऊँ आपके साथ मूवी देख सकता हूँ। बड़ी खबर आ रही है झांसी से, जहाँ पर एक आग लगने की घटना सामने आई है और ठीक ही थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ पर इस आग में कुछ लोग फंसे हुए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रज्ञा राजपूत मौके पर मौजूद है। प्रज्ञा, कहाँ की घटना है और किस तरह से कहाँ आग लगी है? जी नवीन जी, हम अभी मौजूद है सिद्धि के कोहली स्टोर मार्केट में, जहाँ पर बहुत ही भीषण आग लगने के कारण आसपास का बाजार भी इस आग में चपेट में आ गया है। हम आपको बता दें कि अभी इस बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि 12 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें बड़ी ही मशक्कत के बाद कोशिश कर रहे हैं उन्हें निकालने के लिए। और अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं क्या? दमकल की कितनी गाड़ियाँ पहुँची है वहाँ पर? दमकल की फिलहाल 2 गाड़ियां पहुंची है सर, जिसमें से अभी मुझे और कोई स्टाफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भारी संख्या में जो है यहां पर सीपी बाजार में बहुत ज्यादा ही आप भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है आपको, और साथ ही दमकल की बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग यहां पे आग बुझाने का काम कर रहे हैं। जी, अभी तक तो कोई भी ऐसा सामने नहीं आया है मामला की वो वहाँ से उन लोगों को निकालने में कायम कामयाब हो रहे हैं। अगर जानकारी मिल पाई है कि क्या किस तरह से आग लगी थी, क्या कारण बताया जाए? जी सर, कभी वहाँ पर आग लगने का कारण है तो क्या बताया जा रहा है? सर अभी निश्चित नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हुआ है सर अभी। अच्छा, तो जो जो लोग फंसे हैं तो क्या वहाँ के कर्मचारी हैं या वहाँ किसी और काम से गए थे? जी, कर्मचारी बताए जा रहे हैं। कर्मचारी बताया जा रहा है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी लिए। आगे भी इस पर नजर बनाए रखिए, जैसे भी कुछ अपडेट हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सिकरी बाजार थाना क्षेत्र में आग लगी है, दमकल की गाड़ियां वहां मौजूद है, आपको बुझाने की कवायद की हो गई और साथ ही उनको भी निकाला जा रहा है।